रोचक हैं। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनम जयतु शासनम्। पंच परमिष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की उन सूत्रों को अपन खोज रहे हैं जो सूत्र हमें बिना साधना और तपस्या के बिना भी हमें कुछ ऐसे रास्ते बता देते हैं कि असमर्थ व्यक्ति भी समर्थ हो जाता है। हमें कुछ ऐसा रास्ता बता देते हैं कि भटकने के बाद लौटना नहीं पड़ता। थोड़ा चक्कर जरूर लगता है लेकिन हमें आगे सही रास्ता मिल जाता है, क्योंकि अपन सब भटके हुए इंसान हैं। पंचम काल में जो भी जन्म लेता है निश्चित समझना वो भटका हुआ इंसान है, मिथ्या मार्गी है, मिथ्या सोच है, मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या श्रोता है, मिथ्या वक्ता है, मिथ्या करता है। ये सारे जितने टाइटल एक भटकने वाले के होते हैं उन सब जीवों को पंचम काल का रास्ता दिखा दिया जाता है। बहुत बड़ी विडंबना है, अपना सब कुछ मिथ्या है, मन भी मिथ्या, लक्ष्य मिथ्या था, सब कुछ मिथ्या था, किंचित मात्र भी सम्यक नहीं था। जब पंचम काल में अपने जन्म लेने की इतिहास की कुंडली खोलते हैं तो अपना देश मिथ्या था, अपना राजा मिथ्या था, जिस परिवार से तुम आए वो परिवार मिथ्या था, वो कुल मिथ्या था, वो जाति मिथ्या थी, वहाँ के सब कर्म मिथ्या थे, किंचित मात्र भी कहीं कुछ अच्छा था ही नहीं, सब कुछ उल्टा ही उल्टा था। माँ बाप भी उल्टे ही थे, गुरु भी खोटे ही थे। अपन सबके इतिहास के गुरु बता रहे हैं, अपन सब पंचम काल के जीवों का, अपन सब, मैं भी, कुंद कुंद भगवान भी, सब पूज्य गुरुदेव आदि सब, जितने शांति सागर कुजवर, जितने भी समंत्र भद्र आदि महाराज, ये सब पूर्वभव में इनके गुरु भी खोटे थे। इनके
इनका भगवान को अपना भगवान खोटा था, अपन कुदेवों के भक्त रहे, प्रमाण पत्र बता रहा हूँ। आज की बात नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा दो मिनट अपन अतीत में अपन क्या थे वो भी तो विचार कर ले। अपन ने कितना मेहनत किया है, कितनी सफलता मिली है, एक आध दिन इसका भी हिसाब लगा लें। हम आगे बढ़ने में तो बहुत बौने महसूस हो रहे हैं, जब आगे जाने वाले लोगों को देखते हैं तो हम गच्ची नंबर पर हैं, सबसे पीछे हैं, बहुत पीछे। जब चौथे काल के मुनिराजों को पढ़ते हैं, आप श्रावकों को पढ़ते हैं, सम्यक दृष्टि मुनि और सम्यक दृष्टि श्रावकों के लक्षण पढ़ते हैं, उनकी तपस्याएं, उनकी साधनाएं पढ़ते हैं, उनका समर्पण पढ़ते हैं, तो हम बहुत पीछे, बहुत पीछे, बहुत पीछे। लेकिन जब अतीत को हम देखते हैं तो अभी बताऊंगा मैं, बहुत आगे पहुंचे। अतीत में क्या थे, अपने सब अपन खोटे गुरुओं के शिष्य थे, महाखोटे गुरु, पत्थर की नाव के समान गुरु, जिसमें बैठने से हम डूबते रहे, डूबते रहे। हमारा खोटा देव था, खोटे देव थे, रागी, द्वेषी, भिखारी, समस्त दोषों से युक्त थे, राग, द्वेष, कामादि विकारों से युक्त थे। ऐसे देवों को, ऐसे देव थे अपन सबके भगवान। उनके अपन ने पूजा की, अर्चना की, उनके सब कुछ किया। शास्त्र हमारे खोटे थे, उन्होंने कहा हिंसा करो, हमने हिंसा कर दी। उन्होंने कहा बलि चढ़ाओ, हमने बलि चढ़ा दी। जो शास्त्रों में कहा हम सब करते गए। अपन सब ने ना जाने इन खोटे शास्त्रों के चक्कर में कितने जीवों की हत्या की है, धर्म मान करके। यज्ञों में बलियां चढ़ाई, बलि चढ़ाई, कितने जीव मारे होंगे खोटे शास्त्र के कारण। आस्तिक थे अपन, धर्म करने की रुचि थी अपनी। हम तुम्हें अधर्मी नहीं कह रहा हूं, कसाई नहीं थे तुम, कसाई नहीं कह रहा हूं। तुम क्रोधी नहीं थे, मानी नहीं थे, माया भी नहीं थे, लोभी भी नहीं थे। अपन सब, अपन बहुत शांत परिणामी जीव थे, उसका प्रमाण पत्र है अपने पास। अपन निराभिमानी जीव थे, प्रमाण पत्र अपने पास। अपन माया भी नहीं थे, बहुत सरल थे, प्रमाण पत्र अपने पास। अपन लोभी नहीं थे, प्रमाण पत्र अपने पास। अपन पापी नहीं थे, हमने किसी व्यक्ति के प्रति विनाश के भाव नहीं किए, हमने मायाचारी नहीं की, लोभ नहीं किया, झूठ नहीं बोले, चोरी नहीं की, व्यभिचार नहीं किया, टाका आदि डाल के सब कुछ नहीं किए। लेकिन एक भी पाप नहीं किया अपन, लेकिन ये सारे पाप किए, सुन रहे हो ना। हमने एक भी पाप नहीं किया, सारे पाप किए धर्म मान करके। क्या मान के? पाप मान के नहीं किए। इन खोटे, जो खोटे साथ अपन को मिले ना, पाप नहीं किए। पाप के नाम से तो अपन भगवानों से बहुत डरे हुए हैं। आपको, हमें ले लो, जितने हमारे रुचन सुन रहे हैं, जो भगवान के मंदिर जाते हैं, नवकार मंत्र पढ़ते, जैन कुल में आदि अच्छे कुल में जन्म लिया, ये नियम से पूर्व जन्म के पाप भी थे। कोई पाप नहीं किए अपन, पाप का नाम सुनते ही डरते थे अपन, कांपते थे, नहीं हम पाप नहीं करेंगे।
लेकिन इन खोटे गुरुओं ने कहा, इन खोटे शास्त्रों ने कहा ये तो पाप करेगा ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, पाप को ही धर्म की संज्ञा दे दी। अब धर्म के नाम पर तो अपन मिट जाएं, मर जाएं, जो कराना चाहो कर, जो कराना चाहो कर। भगवान को खुश करने के लिए कहा जाए कि तुझे शीश चढ़ाना है तो अपन लोग बहुत कलाकार हैं, चढ़ा देंगे। एक आता ना रावण के, भगवान के चरणों में शीश काट के चढ़ा देता था, अपन भी कम नहीं, चढ़ा देंगे भगवान के नाम पर। भगवान कहे मैं तुझे दर्शन दे दूंगा, शीश चढ़ा दे, अपन एक दिन एक मिनट भी नहीं लगाऊंगा, चढ़ा देंगे। ये किया अपन, कराया उन्होंने हर पाप। जैसे आजकल सरकार ने, अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी दुर्नीति अपने साथ खेली, वो तो सदा ही दुर्नीति खेलते रहे। उन्होंने कहा कि भारत देश के लिए मांसाहारी कैसे बनाया जाए। दो चीजें हमारे यहां विकृत होकर आई, एक मुगल शासन काल में इन भारतीय लोगों के लिए कैसे इनके मंदिर को अपवित्र किया जाए, क्योंकि जब तक इनके मंदिरों में दूध मावा प्रसाद चढ़ता रहेगा इनके देवता खुश होते रहेंगे। कैसे करें, क्या करें, तो उन्होंने एक दुर्नीति निकाली, बलि प्रथा की। भगवान को खुश करना है तो बलि चढ़ाओ, और ऐसी बलियां चढ़ी कि जो जितने बड़े क्षेत्र थे उन पर सब बलियां हुई। जैनियों में तो ये रोग नहीं आ पाया, उसका कारण भी था, लेकिन बलियां चढ़ना शुरू की। और अंग्रेजों ने क्या किया, इनको मांसाहारी कैसे बनाया जाए। तो अंग्रेजों ने जब राजनीति के पद रखे, उनका भारतीय व्यक्ति कृषि से ज्यादा मोहित है, कृषक, कृषि बनो या कृषि करो। तो उन्हें सारा जितना मत्स्य उद्योग था, मछली, मुर्गा, पोल्ट्री फार्म, सब उन्होंने कृषि के अंतर्गत रख दिए। एक बार हमने सुनाया भी था, कृषि का प्रमाण पत्र देते थे, आप किसान हो, कृषि हो। ऐसा ही इन खोटे देवों ने, खोटे गुरुओं ने, खोटे शास्त्रों ने कहा ये तो सज्जन पुरुष हैं, ये तो पाप तो करेंगे नहीं, पाप नाम से तो इनको बहुत डर। खोटा गार्जियन क्या करता है, हमसे खोटे काम नहीं कराता, खोटे को चोखी संज्ञा देके कराता है। तो उसने फिर ऐसी संज्ञाएं दे दी कि अपन ने धर्म के नाम पर खूब खोटे काम किए, हमें महसूस ही नहीं हुआ कि मैं पाप कर रहा हूं। बलि चढ़ाने वालों को, बकरा काटने वालों को, मुर्गे काटने वालों को, उनको महसूस नहीं होता कि मैं पाप कर रहा हूं। उनको तो क्या लगता है, मैं धर्म कर रहा हूं। उनसे कहो कि तुम पाप कर रहे हो, बोलो महाराज आपको लग रहा है, मैं तो इससे अच्छा धर्म कोई है ही नहीं, भगवान को खुश करने का सबसे बढ़िया धर्म है ये। मुझे थोड़ी भी फीलिंग नहीं होती, वो तड़पता है मन, बोले महाराज जी वो है ही नहीं पाप, मैं तो इसको धर्म के, को धर्म करते समय खुशी होती है, वही खुशी उसके लिए जीव को मारते समय होती है जो बलि चढ़ाते हैं, खुशी होती है, आनंद। जैसे आप अर्घ चढ़ाते समय खुश हैं, वो चढ़ाते, ये सब अपन सब ने किए हैं। बस इतना सा था कि अपन ने स्वयं नहीं किए, खोटे गुरु के भय काबू में किए। आपकी अदालत में एक चलता है, मर्डर तुमने किया है या किसी के दबाव में किया है या प्रभाव ने किया है, नाबालिग ने, अज्ञानी ने, मैंने नहीं किया, फलाने ने कराया है, तो बताते धारा कम हो जाती है। मैंने किया नहीं, मुझे कराया गया है, और मुझे इस ढंग से ये लोभ देकर कराया, ये डर दिखा के कराया,
ऐसा ही अपन लोक का पंचम काल में जन्म क्यों हुआ? क्योंकि अपन पाप नहीं करना चाहते, हमें कराया गया, गलत मार्ग बता के कराया गया, गलत मार्ग को सही मार्ग बता करके मुझे चलाया गया। उन्होंने कहा यही धर्म है, बस एक कम एक खूबी अपन ने की है जिस कारण अपना जन्म हुआ। हमने स्वयं पाप किए नहीं हैं, मुझसे पाप कराए गए हैं, और पाप के नाम से हमने पाप नहीं किए हैं, धर्म के नाम पर पाप किए हैं। अब कर्म ने दया दिखाई, ये व्यक्ति गलत कर तो रहा है लेकिन इसके भाव में गलत करना नहीं है, इसके परिणाम में पाप करना नहीं है। इसके गुरु ने, इसके शास्त्र ने इसे धर्म बता दिया है, तो ये तो बेचारा धर्म कर रहा है। ये तो कह रहा मैं धर्म कर रहा हूं, मेरे गुरु ने बताया है, मेरे शास्त्र ने बताया है, लेकिन खोटे शास्त्रों के कहने पर अपन ये सब चीजें करते रहे लेकिन अंतरंग परिणाम में रुचि थी कि मुझे धर्म करना है। तो कर्म ने कहा ये भटका हुआ मिथ्या दृष्टि है, इसके सब कुछ मिथ्या है, इसको पंचम काल में जन्म दे दो और पंचम काल का अपना प्रमाण पत्र हमारे सामने है कि हमारा अतीत कितना था। राग सहित रग में रुलो मिलो शरागी देव, ये तो हुई अतीत की कहानी है। अपने अतीत को पाकर के खुश मत होना महानुभाव, पंचम काल के हर जीव को अपनी अंतरंग वेदना जो होती है कि मैं इतना निकृष्ट इतना ज्ञानी था, मैं आज देखो मैं मुनि हूं, सब कुछ सहन कर रहे हो, आप श्रावक हैं, लेकिन क्या किस्मत, दस दस भाव का मुनि पद, दस भाव का पुण्य आता है तब मुनि बनते हैं, लेकिन काश यही मुनि पद मेरा जन्म विदेश क्षेत्र में होता और यही मुनि पद वहां पाल रहा होता, तो मैं जब तीर्थ क्षेत्र बनाता हूं ना, जब तुम्हें तीर्थ क्षेत्र का आशीर्वाद देता हूं ना, तीर्थ क्षेत्र का जब तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, किसी तीर्थ क्षेत्र की वंदना करता हूं, मैं ही जानता हूं मेरी आत्मा की कितनी वेदना होती है, कितनी वेदना होती है। किसी व्यक्ति ने आईएएस ऑफिसर बनने की पढ़ाई की हो, वही उम्मीद रख के पढ़ाई की हो और पढ़ाई भी की, अंत में उसको कलेक्टर नहीं, उसी कलेक्टर में क्लर्क बने, तो बोलो उसे सर्विस मिलने की खुशी है कि कलेक्टर से क्लर्क बनने का दुख है? दोनों में से बताओ। नौकरी तो मिल गई, दूसरा क्लर्क जो चपरासी के योग्य नहीं था वो क्लर्क बन गया, वो तो मिठाई बांट रहा है, लेकिन जिसने सारी तैयारी कलेक्टर बनने की हो और दुर्भाग्य से उसको क्लर्क बनना पड़े, अब बोलो वो क्लर्क बनने की ड्यूटी नौकरी मिली उसकी खुशी मनाए कि कलेक्टर नहीं बन पाया उसका दुख मनाए? यही हालत है मेरी। जब तुम लोगों को तीर्थ क्षेत्र का आशीर्वाद देता हूं, मैं प्रवचन दे तो जाता हूं लेकिन दिन भर 24 घंटे मेरी क्या हालत होती है तो मैं ही जानता हूं, तो मैं आशीर्वाद दे तो देता हूं, इतने तीर्थ क्षेत्रों को आशीर्वाद देता हूं, लोकोदय को भी दे रहा हूं, अब मैं ही जान रहा हूं मेरे साथ क्या बीत रही है।
मेरे अंदर, बाहर की तो हंसता हुआ दिख रहा हूँ, बाहर से तो आंसू नहीं आ रहे, थोड़ा तुम्हारे पर अंदर झांकने हो तो अश्रुधार बह जाती है। जितना पुण्य मैंने किया है, आज मैं यदि विधेय क्षेत्र में मुनि होता तो अतिशय क्षेत्र नहीं बनाता, किसी पहाड़ को सिद्ध क्षेत्र बना देता। इतनी ललक है आत्मा में है, आज जो ललक, जितनी हमारी उल्लास है, जितनी हमारी श्रद्धा है, जितना मेरे करने की उमंग है, यदि यही उमंग विदेश क्षेत्र के मुनि को आ जाए तो उसे केवल ज्ञान और मोक्ष हो जाएगा, मान लो मोक्ष हो जाएगा पक्का। फॉर एग्जाम्पल, एक गरीब आदमी को बोली लेने की कितनी तड़प होती है, बोलो, लेने वाले से ज्यादा, जो बोली ले रहा है ना अमीर आदमी, उससे भी ज्यादा किसको होती है, जो नहीं लो, वो बहुत होती, बहुत भावना होती थी। जो मंदिर नहीं बना पा रहा उसको बहुत भावना होती है, जो भूदान नहीं दे पा रहा उसको, महाराज जी कल एक व्यक्ति आया, महाराज जी आप दो दिन से भूदान में लग रहा है ऐसा, बस मैंने कहा बस महाराज जी कुछ मत पूछो, मैंने क्या बोल ऐसे कर रहा था, अरे कुछ मत पूछो, मैंने भाई क्या बात है, मन कर रहा है पूरी जमीन मैं ही लेकर के दे दूं। तो मैंने कहा दे कितनी सकता है, पूरे 1/10 की भी ताकत नहीं है, मैंने तू दे कितना राय बता दे, बोले 1/10 देने लायक भी मैं नहीं हूं, रो पड़ा हुआ। भावना देखो, रो पड़ा हुआ। गरीब आदमी के अंदर जितना धर्म करने का भाव होता है, उतना भाव यदि अमीर को हो जाए तो बोलो क्या होगा, कितनी देर लगेगी। अमीर पूरी गरीब जिंदगी भर भी भाव कर पाए, 1/10 बीघा भी नहीं दे पाए, ठीक यही भाव यदि समर्थ और अमीर को हो जाए तो, एक दिन में दे दे वो अमीर को हो जाए तो, यही भाव, दूसरा भाव नहीं करना। जो भाव गरीब का है बस यही भाव अमीर को होना है, कुछ भी कर लेगा वो, कुछ भी कर लेगा, क्योंकि वो समर्थ है। लेकिन कैसे प्रकृति के नियम है, गरीबों के तो भाव होते हैं और अमीर के कान पर जुआ भी नहीं रेंगता। गरीब के तो भाव होते हैं और अमीर सुनते ही नहीं, बिचारी नहीं आते। सावधान, किसी चीज को हम असमर्थ दशा में भाव कर रहे हैं, नियम है कल हम समर्थ थे, हमने उस समय भाव नहीं किए। जितने गरीब बनते हैं ना, ये कोई अलग से फैक्ट्री में नहीं आते, जितने गरीब हैं सब ये, और भिखारी और मिले तुम्हें कहीं चौराहे पे, ये टाटा बिरला डालमिया से कम नहीं थे, उद्योगपति थे, करोड़ों अरबों रुपए इनके पास था, जमीन का इनके पार नहीं था, जहां आंख उठाओ उनकी जमीन थी। नशे सेठ हो गए लोग, जिनके पूरे नगर में आज नहीं पहले तो थे ही, जहां देखो वहीं वहीं इनकी जमीन पड़ी है। कटनी के अंदर एक सेठ जी थे, कन्हैयालाल। अब कल्पना करो, जिन्होंने 500 बीघा जमीन में दान दी हो उनकी खुद की जमीन कितनी होगी, 500 बीघा। एक चांदखेड़ी का सेठ था, उनका दान पत्र देखा मैंने, 502 बीघा जमीन चांदखेड़ी के लिए दान देके गए, दान पत्र लिख दिया, उस समय रजिस्ट्रियां तो होती नहीं थी, दान पत्र लिख गए 502 बीघा जमीन दान में। किसी को पता नहीं, क्षेत्र धीरे धीरे उजड़ गया, इतना उजड़ा क्षेत्र कि उसकी व्यवस्था करने के लिए नहीं,
चांदखेड़ी के इस मंदिर में हमें एक व्यक्ति जीवित थे, उन्होंने खुद कहानी सुनाई। किराए पर बिनोला, बिनोला कपास होता है, उसको किराए पर दे दिया था 1000 रुपया साल में, और पूरे मंदिर में कपास भरा था, गोदाम बना दिया था, कोई जाते ही नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। चमगादड़ों का घर था और बीच में चमगादड़ों का बीट इतना था, सांप निकल दल दल जैसा रहता था, तो बीच में पत्थर रख के शाम को एक अजैन बंधु एक तेल का दीपक लेके जला देते थे। बस वो सज्जन भी मुझे मिले, एक दीपक, बस शाम को एक तेल का दीपक ले जाएंगे और वहां जाके जला देते थे, बस इतना था। मंदिर पूरा पैक था चारों तरफ से, पानी वहां खूब जम के भरता था, दर्शन पूजन करने वाला कोई था नहीं। ऐसी दशा हो गई, प्रणाम हुआ कि वो 502 बीघा जमीन पर आगे जाकर के उनके परिणाम, परिवार के परिणाम बिगड़ गए। धीरे धीरे उनके वंशज, उनके परिवार लोगों ने टुकड़े टुकड़े करके बेच दिया। उनके परिवार की ये हालत थी कि खाने को भी नहीं था। मेरे सामने अभी कोई 2 रुपया भीख भी देने को तैयार नहीं, मजदूरी देने को तैयार नहीं। मुझे एक जमीन की चर्चा के लिए एक पटवारी को बुलाया क्षेत्र के लिए, भाई यहाँ आसपास देखो कौन सी जमीन खाली है। तो उसने कहा, महाराज जी आप जमीन के लिए पूछ रहे हो, आपके मंदिर की तो 500 बीघा जमीन है। अरे मैंने कहा 500 बीघा जमीन कहाँ है। जब पता कि उनके सज्जन को बुलाया क्या उनकी हालत थी, और जब पूरी कहानी सुनी, देखना पूर्वजों का अभिशाप देखना कैसे मिलता है। मैंने वो दान पत्र पढ़ा, फिर निकलवाया, उसमें लिखा था मेरे परिवार के लोग यदि मेरी हुई दी हुई दान की जमीन पर नियत खराब करेंगे तो वे मेरी आत्मा को दुख पहुंचाएंगे। ये अभिशाप कहलाता, यही काफी है। बड़े लोग का अभिशाप जाओ मैं तुझे भस्म करता हूं, नहीं ऐसा नहीं देते। जो सज्जन पुरुष माता पिता हो, गुरुजन हो, वो अभिशाप देते नहीं। उनका दुखी होना ही इस पर मेरी आत्मा को दुख पहुंचाएंगे। मैंने कि तुम जिंदा रह ही नहीं सकते, तुम्हारा वंश ही जितनी बिक गई थी 100-150-200 बीघा कुछ बची थी, वो मैं सेव करके आया हूं। यानी ऐसे लोग भूदान दे करके, कन्हैया लाल जी सिंघई साहब ने जो इस पर चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है बहुत बड़ा, वो भी 500 बीघा के लगभग दान में दी उन्होंने। तो ये जितने जिनके पास आज वो दान में देने के बाद वो गरीब नहीं हुए होंगे, वो तो नियम से किसी देश के राजा बने होंगे भूपाल। मैंने कल परसों कहा था ना, जो तुम्हें मिला है वो ही तुमने बोया है। आज तुम्हारे पास जमीन नहीं है, तुमने जमीन नहीं बोई। तुम्हारे पास 2 प्लाट पड़े हैं, तुमने नियम से कहीं 1 फुट की जमीन कहीं दान, बिना बीज के कुछ नहीं मिलने वाला। और बीज कितने प्रकार के हैं, सरसों का भी है, चावलों का भी है, गेहूं का भी है, चने का भी है, अलसी है, मूंग है, मसूर है, जो बोगे। अब तुम्हें बताओ क्या क्या चीजें चाहिए। गेहूं चाहिए तो गेहूं, दाल चाहिए तो दाल, जो चाहिए है। आप अपनी एक लिस्ट बनाना आज कि तुम्हारी जिंदगी चलाने के लिए तुम्हारी क्या क्या ख्वाहिशें हैं, क्या क्या ख्वाहिशें। जो ख्वाहिशें इस भाव में पूरी नहीं हो वो तो तुम्हारी होगी या नहीं होगी, अगले भाव की गारंटी लेता हूं। जो जो तुम्हारी ख्वाहिशें हो उस चीज का दान दे करके बीज बोना है बस। जो तुम्हारी ख्वाहिशें हो, तुम्हारी ख्वाहिशों को मेरे घर का मकान हो, जमीन हो, तो कहीं ना कहीं
किसी क्षेत्र पर, किसी मंदिर के लिए, किसी गरीब के लिए, किसी गौशाला के लिए, किसी अस्पताल के लिए, किसी विद्यालय के लिए, गरीबों के लिए महानुभाव भूदान जरूर कर देना, नहीं हो तो खरीद कर कर देना। मैंने सब बताया, दो पात्र हैं, एक पात्र और एक अपात्र। अपात्र में भिखारी, गरीब, गरीब के किसी के मकान नहीं है, फुटपाथ पे सो रहा है। यदि आप मानववादी हैं तो मान लो आप धर्मात्मा नहीं हैं, धर्म के प्रति आपका श्रद्धा नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे लिए इससे कोई फर्क नहीं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि हमारे, तो महानुभाव एक गरीब आदमी को एक प्लाट खरीद के छोटा सा उसको भू दान दे देना, गौशाला के लिए एक छोटा सा टुकड़ा खरीद के दे देना, कहीं अस्पताल बन रहा हो उसमें अपना भू दान दे देना, कहीं विद्यालय बन रहा हो भू दान दे देना। और यदि धर्मात्मा हो, मानव से बड़ा धर्मात्मा होता है, मानव में धर्मात्मा होता है, तो फिर आप किसी तीर्थ क्षेत्र के लिए, किसी संतशाला के लिए, किसी मंदिर के लिए, किसी धर्मशाला के लिए, जिसका उपयोग धर्म के लिए हो, वहां जरूर 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 कोई ना कोई भूमि दान में जरूर देना। तो नियम से तुम जन्म लोगे, उसके पहले ही पिता तुम्हारे नाम से जमीन लेकर के डाल देगा कि बेटे के काम आएगी, तुम्हें जमीन खरीदना नहीं पड़ेगी, तुम्हारे नाम से पहले से ही जमीन मिलेगी, पहुंचते ही तुम इतनी जमीन का वसीयत तुम्हें मिलेगा। ये वसीयतें जो मिलती हैं ये ऐसे ही नहीं मिलती महानुभाव, जिनके बड़े आदमी होते उनके यहां कौन से जीव का जन्म होता है, इसके हजार बीघा जमीन है इस बाप के यहां, ये वसीयत उसे ही मिलेगी। वो जीव जिसने कभी किसी धर्म क्षेत्र में या करुणा के कारण भूमि दान दिया होगा और वो फल करके हजार बीघा हुआ और हजार बीघा की वसीयत तुम्हें मिल गई, बाप तुम्हारा कोई नौकर नहीं है जो तुम्हें ऐसे ही दे जाए फोकट में। बाप की संपत्ति महानुभाव वसीयत जितनी भी मिलती है पूरी वसीयत में तुम्हारा पुण्य होना चाहिए, नहीं तो नहीं मिलती। बाप के मरने के पहले ही ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि संपत्ति सब खत्म हो जाती है, बाप इतने कर्जा लेके मरता है कि सब संपत्ति कुड़क हो जाती है, तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हें नहीं मिलेगी। पूज्यवर्जन सेन स्वामी ने महापुराण में लिखा, भरत चक्रवर्ती जब जा रहा है, उनके बेटे भी दीक्षा लेने जा रहे हैं, 32,000 मुकुटबद्ध राजा हाथ जोड़ के खड़े हैं, 32,000 राजा को नमस्कार, राजकुमार को नमस्कार कर रहा है। और जैसे ही चक्रवर्ती ने दीक्षा ली, अब राजकुमार घर लौट रहा है, एक भी राजा नमस्कार नहीं कर रहा है। बेटा कहता है ये क्या हो गया, ये सब अभी हमें राजकुमार राजकुमार कह रहे थे, ये तो सब यूं खड़े हैं। मंत्री जी क्या बात है, बोले राजा साहब ये आपको नमस्कार नहीं कर रहे थे, आपके पिताजी को नमस्कार कर रहे थे, पिताजी के पुण्य से आपको नमस्कार हो रहा था, अब ये हक्कड़ में आ गए हैं, क्या करेगा छोकरा तू। ओहो, 6 खंड के अधिपति बेटे के फिर से विजय प्राप्त करने के लिए जाना पड़ा, पिताजी का जीता हुआ राज बेटे के काम नहीं आया, विजयार पर्वत की गुफा के किवाड़ बंद हो गए, जैसे दीक्षा ली किवाड़ बंद, लोग आ रहे थे जा रहे थे बंद हो गए, आधा रात चला गया। कोई राजाओं को हारना पड़ा अर्क कीर्ति के लिए, सारे राजा काबू में नहीं कर पाया, पिताजी एक पीढ़ी के हाल ये हो गया, नहीं आएगा महानुभाव। ये वसीयत जो तुम्हें जितनी मिलेगी, तुमने उतना पुण्य किया होगा, तो पुण्य कहता है इसने पूर्व भव में इतना दान दिया, इसने जमीन दान दी थी,
इसलिए एक बीघा जमीन दान दी थी, ब्याज सहित वो 1,000 बीघा हो गई। धर्म का ब्याज तगड़ा मिलता है। आजकल दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इतना ब्याज देता हो। कितनी मजबूरी हो, कितनी मजबूरी में दो, अधिक से अधिक ब्याज की दर क्या है आज? 1-1.5 रुपया, 2 रुपया। मालूम तुम किसी की आवश्यकता पड़ने पर देते हो, किसी की मुसीबत में देते हो, किसी की जरूरत को देते हो, आपको ब्याज मिलता है। अब यहां ब्याज देखना, दान भी एक वही है। जब गुरु को जरूरत पड़ी, धर्म को जरूरत पड़ी, मंदिर को जरूरत पड़ी, किसी गरीब को जरूरत पड़ी, उस समय जो तुमने दान दिया, इस पर ब्याज मिलता है 25%। 100 रुपया पर 25 रुपया, कौन से ब्याज में? अब देखो, एक तुम बाजार में पैसा चलाओ और एक हमारे लोकोदय में पैसा चलाओ, आप तो देना है तो जरूरत ही पे लेता है, सामने वाला भी जरूरत होगी तो लेगा, नहीं तो काहे को लेगा। जब तुमने लोकोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए दिया, 25% ब्याज है, और बेईमानी यहां होती नहीं है। कर्म का कंप्यूटर है, तुमने 1 बीघा जमीन दी, कितने साल बाद तुम्हारा घूम करके तुम्हारा जन्म हुआ। मान लीजिए आपने 25 साल की उम्र में जन्म दिया, तो आपका ब्याज लगा लेना, 50 साल जिए यहाँ, 75 साल जिए, यानी 50 साल 1 बीघा जमीन का 50 साल में 25% कितनी हो जाएगी? 50 साल जिए आप, 50 साल में 25% की वृद्धि करना है, 1 बीघा का 1.25 बीघा, आप 25 साल, 1225 बीघा हो जाएगी। एक साल में 1.25 बीघा हो रही है, दूसरे साल में ब्याज पे ब्याज लगाना। अब ये बाकायदा लिखा जा रहा है कंप्यूटर में। अब जब आप दूसरी जगह जब जन्म होगा, तब कर्म कहेगा इसको कहां जन्म दिलाऊं, जिस बाप के पास पहले इतनी बीघा जमीन हो तब ये बेटा बनेगा। ये बेटा कीमती हो गया, अब ये बेटा कीमती होगा। 1 बीघा जमीन उसने क्षेत्र पर दान दी है, अस्पताल के लिए दान दी है, करुणा दान। अब इसका ब्याज ढूंढता है, कर्म ढूंढे, ब्याज लगता है सब पूरा, और कहेगा इतना हुआ 50 साल का, और वहां जाकर जन्म हुआ। अब कर्म कैसे ढूंढता है, इतने बीघा जमीन भारत में किस सेठ के पास है, उस सेठ के यहां तुम्हें बेटा बनाएगा, और उतनी बीघा तुम्हें बिना कमाए बसियत में मिलेगी, फोकट में नहीं मिल गई तुम्हारी। ये 1 बीघा का जो आपने साहूकारी की थी ना, उसके बदले वो बीघा जमीन मिली है, उतने बीघा जमीन आपको प्राप्त होगी। आपने मंदिर बनाया है, अब मंदिर आपने कितना बनाया, भगवान के लिए बनाया आप, भगवान के लिए। मैंने कल जिज्ञासा समाधान में कहा था ना, ये भगवान वगैरह, ये दान वगैरह बहुत बड़ा, इनका बहुत बड़ा रहस्य मान हुआ। मैंने कहा था ना कि एक संप्रदाय में ऐसा आता है, भगवान क्यों भोग लगाते हैं भक्त का, सारी दुनिया को भोजन दे रहे, अन्नदाता है, उनके यहां मान्यता है जो भी हमें खाने दे रहा है सब भगवान दे रहा है, लेकिन भगवान सारी दुनिया को खिलाता है, स्वयं नहीं खाता। सारी दुनिया को खिलाता, स्वयं नहीं खाता, स्वयं क्या खाता है? जब भक्त ला करके भोग लगाएंगे तो खाएंगे, भोग लगाएंगे। जब तक भगवान सारी दुनिया को खिलावे, स्वयं नहीं खावे, तब तक ये दुनिया में अन्न मिलेगा, तब तक ये दुनिया जिंदा रहेगी, तब तक दुनिया में हरी भरी रहेगी। जिस दिन भगवान ने
अपना भोजन जो दुनिया के लिए स्वयं एक ग्रास भी मुंह में दिया, उसी समय इस सृष्टि में प्रलय आ जाएगा। उसी समय तुरंत वो ग्रास, अपना ग्रास स्वयं का स्वयं खाएंगे और मुंह में जाएगा, उसी समय पृथ्वी में ऐसा प्रलय आएगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज भगवान ने स्वयं का ग्रास स्वयं खा लिया, स्वयं की कमाई स्वयं खा ली, और जब तक भक्तों का भोग लग रहा है तब तक ये दुनिया जीवित है। मैंने ये सोचा कि जैन दर्शन क्या कहता है। अब जैन दर्शन ने उसका रूप बदल दिया, प्रलय की बात नहीं की। कल्पना करो, जैसे कल कहा था, मुनिराजों को तुम आशीर्वाद लेते हो हर चीज में, मुनिराज काश अपने हाथ से बनाकर खाने लग जाएं तो बोलो क्या होगा दुनिया का। महाराज की तो दुर्गति हो नहीं है, वो तो पक्का है, तेरा क्या होगा रे कालिया। खत्म, उसी दिन खत्म हो जाएगी। इसलिए मुनि महाराज, आहार नहीं मिलेगा तो समाधि ले लेंगे, मुनि पर छोड़ देंगे, लेकिन स्वयं कमा करके नहीं खाएंगे, स्वयं कमा कर नहीं खाएंगे, मुनि पर छोड़ना पड़े छोड़ देंगे, समाधि लेना पड़े ले लेंगे। देवता कांप गए जब 4000 मुनिराजों ने मुनि भेष में, देखो तुम लोग अपनी खेती किसानी कर रहे हो, फल फूल खा रहे हो, कुछ नहीं कोई बात नहीं, 4000 मुनिराज जब भ्रष्ट हुए वे अपने हाथ से फल तोड़ के खाने लगे आदिनाथ के समय की, क्योंकि आदिनाथ तो ध्यान में बैठ गए, और अपने हाथ से बिना दिया हुआ पानी पीने लगे। देवताओं के सिंहासन कांप गए, ये तो चौथा काल शुरू होना है, ये तो सब बर्बाद हो जाएंगे, इस दुनिया का क्या होगा। मुनिराज अपने हाथ से फल तोड़ के खा रहे हैं, मुनिराज अपने हाथ से पानी पी रहे हैं, देवताओं के सिंहासन कांप गए। आदिनाथ के समय तीर्थंकर के रहते हुए देवताओं ने आके कहा, ओ क्या कर रहे हो तुम लोग इस दिगंबर भेष में, ये मुनि के भेष में तुम लोग अपने हाथ से फल खा रहे हो, अपने हाथ से पानी पी रहे हो, और किसी का फल नहीं थे, वो जंगलों के फल थे, किसी के बगीचे के तोड़ के नहीं, छोड़ी चपाटी कुछ नहीं थी, खुले जंगल थे उनमें से ले रहे थे, खुले जंगल में से किसी का नहीं था, प्रकृति का था, मात अपने हाथ से तोड़ना और खाना, अपने हाथ से झरने का पानी पीना। देवताओं ने जो उनको फटकारा, दुनिया में प्रलय लाना चाहे, लेकिन जैनी की आवाज, जैनी की आवाज, मेरी आवाज नहीं थी वो, जैनी की आवाज थी, और उस दिन मुझे अनुभव हुआ कि मैं जैनी हूं और जैन धर्म मेरा है। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि मेरे लिए धर्म के प्रति इतनी लगन, अरे भार में जाए लो तो लो, नहीं लो तो तुम जाना, तुम्हारे काम जाना है, हमें लेना देना क्या है, अपने उठाओ पीठी कमर ले चलो। लेकिन धर्म के प्रति जिन्हें देखना, मेरे लिए मेरी भक्ति देखना, तुम मुनि महाराज हूं, कुछ भी है नहीं, कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन निकल गया मुंह से, किसने निकलवाया बोलो, धर्म के प्रति श्रद्धा ने। धर्म में जो दिख रहा था कि बकरे कटेंगे, बस उससे काम गई मेरी आत्मा और मुझे वहां रहना नहीं। ये है धर्म की आवाज। कभी तुम्हारे अंदर से ऐसी आवाज उठ जाए, कभी धर्म के लिए मिटने की बारी आ जाए, मरने की बारी आ जाए, कुवत से ज्यादा तुम्हें करने की बात आ जाए, कुवत तक नहीं, जितनी तुम्हारी कुवत है उतने तक तुम कर रहे हो, ये धर्मात्मा का डिसीजन नहीं है। तुम धर्मात्मा हो नहीं कह सकता अभी,
क्योंकि जितनी तुम्हारी कुवत है उतना कर रहे हो, लेकिन धर्म के लिए उस पार कर जाए जो तुम्हारी कुवत ही नहीं है। और एक रुपए की कुवत नहीं हो, पचास पांच रुपया सैकड़े ब्याज की बात कह दी उन्होंने कि भगवान कह दी। जैन धर्म का अतिशय लोगों ने हमने कहा एग्रीमेंट करो, एग्रीमेंट हो गए। एग्रीमेंट में कुछ पैसा देते थे, इतना तो मंदिर पास था ही, और मुझे बिहार करना था, मैं बिहार कर गया। और बिहार करने के बाद मुश्किल से दो या तीन दिन हुए होंगे। अब भगवान ने देखो क्या जैन की आवाज, भगवान ने कहा छोकरे ने धर्म के प्रति इतनी श्रद्धा कि इसने अपनी शक्ति नहीं बिचारी, इसने ये नहीं बिचारा जिस मंदिर के पास मूल पैसा नहीं है वो ब्याज कहाँ तक देगा और कैसे लौटाएगा। लेकिन इसने जो अंदर की आवाज़ थी वो इसकी वेदना थी, धर्म के प्रति समर्पण था। और जब धर्म के ऊपर समर्पित हो भगवान भाव तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, भगवान भी पीछे लग जाता है, भगवान भी पीछे लग जाता है। एक चिड़िया थी, एक चिड़िया समय आपका हो रहा है यही को पूरा कर देता हूँ, चिड़िया को छोड़ता हूँ। दिल्ली से एक व्यक्ति चला क्षेत्र पे आया, बोले साहब यहाँ कोई योजना है क्या? बोले साहब अभी अभी महाराज आए थे, उन्होंने एक जमीन की योजना बनाई थी, बहुत चिंतित। कितने की? बोले आपको कितना? बोले मुझे 51 लाख रुपया खर्च करना है, 51 लाख रुपया खर्च करना है। काय में करना है आप किसी में भी हो तो भाई, महाराज जी अभी बिहार करके गए पासू में होंगे, वो वहां लेके मैनेजर आ गए। बोले महाराज जी मैंने कि भैया किसी काम में खर्च करना हो तो मेरा काम नहीं है। नहीं नहीं हमें तो बात खर्च करना है, आप तो कहीं भी खर्च करा लीजिए, मैंने किसी में भी। बोले आपको तो जहां कहो हम वहां खर्च करना, मुझे खर्च करना है बस। मैंने तुरंत कमेटी को बुलाया, लेके आया था नगद। बोले महाराज मैं तो यहीं छोड़े जाते हूँ आपके कमरे। अरे मैंने कहा भैया ऐसा मत करो, मेरे कमरे मत छोड़। कमेटी को बुला के मैंने कही, अब लोग कहते महाराज जी हमारे पैसे का क्या होगा? मैंने कहा अभी ले थोड़ी है, लेने के बाद ब्याज चालू होता है, लेने के बाद चालू होता है कि ब्याज कब से चालू होता है? टोकिया जी बताओ ना, मोटिया जी कब चालू होता है लेने के? हमने अभी लिया नहीं है, लेने के बाद चालू था। बस महानुभाव ये है अपनी जिंदगी का एक समर्पण, हमें कुछ नहीं करना है, हमें समर्पण करना है और सब होता है। किसने भेजा, कौन लाया, क्यों लाया, आज तक कोई पता नहीं लगा पाया क्यों वो आया कैसे। बस उसके भाव आ गए मुझे तो खर्च करना है, और उसी क्षेत्र में आया, और कहीं जा सकते थे? ये कौन कनेक्शन है? ये है धर्म। इसलिए हमारे शास्त्रों में दो उपदेश दिए गए। पहला उपदेश दिया जाता है परमार्थ के लिए, मोक्ष के लिए तुम दान करो, मोक्ष के लिए तुम मुनि बनो, मोक्ष के लिए तुम पूजा करो, मोक्ष के लिए तुम अभिषेक करो। तुम कहते मोक्ष नहीं जाना हो तो, मोक्ष नहीं जाना हो तो फिर क्या चाहिए? मुझे तो धन चाहिए, शेठ बनना है, संसार का सबसे बड़ा आदि बनना है। तो दूसरा प्रश्न कब कहता है? वो भी इसी मार्ग से मिलेगा, वो भी इसी मार्ग से मिलेगा, रास्ता एक ही है। अब जो धर्म नाम के नाम से दान देना चाहते हैं कि मुझे तो दान देना है, बस देना है भूदान का, जो कहते महाराज जी ऐसे नहीं देना, आप तो ब्याज बताओ, तो 25 रुपया ब्याज, 25% ब्याज है। आगम से बोल रहा हूँ, झूठा नहीं, पूज्यवर समंतर्वद महाराज ने कहा। यदि व्यक्ति की दृष्टि संसार पर ही है
तो भी इसी मार्ग से मिलेगा और परमार्थ भी इसी मार्ग से मिलेगा। रावण को विद्या सिद्ध करना थी तो भी उसे मंदिर जाना पड़ा, और हमें मोक्ष जाना है तो भी मंदिर ही रास्ता एक ही है, दोनों नहीं है। आज तक किसी पाप करते हुए को संसार नहीं मिला, दरवाजा तो एक ही है। निर्णय तुम्हारा है कि तुमने यदि भाव किया मुझे संसार का वैभव मिले तो भी प्रोसेस यही है, तो भी प्रोसेस यही है। और तुम कहो मुझे संसार नहीं मोक्ष चाहिए तो भी प्रोसेस है। शांतिनाथ भगवान दोनों के लिए, रावण के लिए भी वही थे, उसको संसार चाहिए था तब भी मंदिर में ओम ह्रीम अरहम शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अपन को मोक्ष चाहिए है तो ओम ह्रीम अरहम शांतिनाथ जिनेन्द्राय मंत्र एक ही है, अभिप्राय आपका है, वो भी मिलेगा वहीं पर, मिल ही नहीं सकता। 25% एक बीघा जमीन तुमने दान दी, सुनो रे बनिया लोगो, सुनो सुनो सारे बात क्या कर रहे आगम में जो भाषा लिखी मैं वही भाषा बोलता हूं। इन्होंने कहा दो भाषाएं बोलना, पर किसी भी प्रकार से मंदिर के सामने बकरे मत कटने देना। दो भाषाएं बोलना, दोनों में जिस भाषा में सिद्ध हो जाएं, लेकिन लोकोदय तीर्थ बन के रहना चाहिए, चाहे उस भाषा में बने चाहे। अब 25% की बात है, एक बीघा जमीन तुम्हारी 50 साल में 25% में कितनी हो गई प्रदीप जी, नीरज जी, सब लोग बता दे। एक बीघा जमीन पर 25% ब्याज मिलेगा 50 साल कितने हो जाएगा, 1000 से ज्यादा मैंने। अब 1000 रुपये मैं दिलवा रहा हूं तुम्हें। यदि तुमने परमार्थ के लिए नहीं संसार के लिए भी की है तो कर्म व्यवस्था बनाएगा। इसने एक बीघा जमीन दान दी थी सन 1923 में, तारीख डलेगी, छवाया 25%। 50 साल बाद तुम मरोगे तो उस बाप के यहां पैदा होगे जिसके पास 1000 बीघा की जमीन होगी, वसीयत मिलेगी। वसीयत फोकट में नहीं मिलती महानुभाव, बिल्कुल मत समझना कि ये बाप देखे गया है। मैंने अभी चक्रवर्ती का उदाहरण सुनाया, पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने लिखा, मत समझना कि ये बाप देते गया है, ये बाप तो बहाना था। कर्म ने कहा इस व्यक्ति को कहां पैदा करूं, तो कंप्यूटर में आया कि इसने एक बीघा जमीन दी थी लोकोदय तीर्थ में, जिसके पास 1000 बीघा जमीन हो और वो 1000 की वसीयत इसको मिले, ऐसे सेठ के यहां इसका जन्म होगा, तो सेठ के यहां जन्म जाता है। ये हिसाब कंप्यूटर का हिसाब है, कर्म सिद्धांत है, इसको मात गप मत समझना। फर्क इतना है कि वह धर्म कहके नहीं आता है, अपन लोग कहके देते हैं। धर्म किस मोड़ पर कब काम आ जाता है तुम ये समझ नहीं पाते हो। किसी का बड़े आदमी का जन्म हुआ, किसी गरीब हुआ, दोनों एक साथ जन्मे, एक साथ जन्मे, एक साथ जन्म हुआ, एक का बड़े आदमी का, एक गरीब का, क्यों, कौन कर रहा है पक्षपात है? कौन कर रहा है पक्षपात? भगवान ये पक्षपात करेगा क्या? नहीं नहीं, भगवान तो क्या पक्षपात करेगा बेचारा, कौन कर रहा है पक्षपात? एक साथ जन्मने वाला, एक मुहूर्त में जन्मने वाला, एक अमीर के एक गरीब के, कौन कर रहा है? नंदी, ये है कर्म, ये है कर्म, कर्म करता है। इसको बड़े आदमी के जन्मना है, इसने पूर्व भव में इतना दान दिया था, ब्याज सहित इतना हो गया। दान और ऋण की परिभाषा, यदि किसी को ऋण दिया है नियम से ब्याज सहित लौटेगा, तुमने कहीं दान दिया है ब्याज सहित लौटेगा, इस पर संदेह मत करना। ये तुमने, फिर से रिपीट करता हूं, फिर समाप्त करता हूं, तुमने किसी को ऋण दिया है पक्के में, अच्छी तरह लिखा पढ़ी करके भावना से पक्के, तो बोलो ऋण ब्याज सहित लौटेगा कि नहीं लौटेगा? दान भी तुमने दिया है नियम से ब्याज सहित लौटेगा, लौटेगा, लौटेगा। तुम लेना या नहीं लेना वो बात अलग है, तुम्हें मिलेगा पक्का है। तुम ऐसे बाप के यहां जन्मोगे जहां इतनी वसीयत होगी, तुम नहीं लोगे दीक्षा लो लो वो तुम्हारी बात है,
ऐसे बड़े आदमी का बेटे के यहाँ जन्मा, कर्म तो कह रहा मैं तो तुम्हें जन्म दिला दूंगा, ब्याज सहित तुम्हारा चुकता, मैं जमीन को भोगूंगा नहीं, उसके पहले दीक्षा लो, वो तुम्हारी मर्जी है, वो तुम्हारा त्याग है, मैं तो तुम्हें दिलाऊंगा। ये बड़े बड़े त्याग मुनिराज जो चक्रवर्ती के बेटे क्यों लेते हैं, ये ठुकरा देते हैं ब्याज को, हमने ब्याज के लिए नहीं दिया था, मैंने रिटर्न के लिए नहीं दिया था। अब देखना दो चीजें और समझ लें, एक तो ब्याज सहित मिलेगा, वो जन्म मिलेगा पक्का है तुम्हारा, इसलिए जो जो यहां जमीन देंगे वे सब भूमिपति राजा भूपाल बनेंगे, नियम से आगम की साक्षी में बोल रहा हूं, जिनवाणी के सामने बोल रहा हूं, मैं ब्याज को मिलेगा। और तुमको सम्यक दृष्टि होगा वो कहेगा मैंने इसके लिए दान नहीं दिया था, रिटर्न के लिए मैंने ये भावना नहीं की थी, मैंने तो धर्म के लिए दान दिया था। तो कर्म कहेगा छोड़ो, वो व्यक्ति पूरी जायदाद को छोड़ करके मुनि बन जाएगा। सेठ के यहां जन्मा बेटा है और सेठ ने सब वसीयत उसको कर रहे, वो करेगा ही नहीं, वो तो कहता मैं तो मुनि बनूंगा, मुनि बनूंगा और सब छोड़ के आ जाएगा। समझ लेना इसने दान को धर्म मान के दिया था, ऋण मान के नहीं दिया था। लेकिन अब तुम्हें दोनों में से क्या बनना है, एज यू लाइक। कल मेरे पास मत आ जाना, महाराज जी हमारे रहने को मकान नहीं है, मैं तुमसे मंदिर नहीं बनवा रहा हूं, मैं तुमसे क्षेत्र नहीं बनवा रहा हूं, अगला जन्म तुम्हारे फुटपाथ पर ना हो उसकी चिंता कर रहा हूं। समय हो गया, नहीं तो इसका पूरा दास्तान है। तुम समझते हो ये दान दिया जा रहा, नहीं, इतने मंदिरों की जरूरत क्या है, इतने तीर्थों की जरूरत क्या है, मैं बना ही नहीं रहा हूं तीर्थ, मेरे भक्त इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हैं, मैं उसको फुटपाथ पे जन्म लेने से बचा रहा हूं। बोलो फुटपाथ पे भी जन्म होते हैं कि नहीं, किसका हो जाए क्या पता, कोई भरोसा थोड़ी है, चक्रवर्ती भी फुटपाथ पे जन्म जाए मर के, फुटपाथ पे जन्म होगा क्योंकि तुमने कभी दान दिया ही नहीं, तुमने कभी भूमि दान नहीं दिया, तुमने मंदिर में कभी ईंट नहीं लगाई, कुछ भी दान नहीं दिया, कभी अस्पताल में नहीं, कहीं दान दिया ही नहीं तुमने, अब तुम्हारा फुटपाथ पे जन्म होगा। वो भविष्य जो मुझे दिख रहा है, जैसे मैं वहां बकरे कटते हुए कल्पना देखकर कांप गया, ऐसे ही आप लोगों का भविष्य देखकर मैं कांप रहा हूं कि आज ये जैन कुल में जन्मा है, अमीर घर में है, और आज यदि इसने दान नहीं दिया तो कल फुटपाथ पे जन्मेगा और जन्म फुटपाथ पे लेगा और सलमान खान की गाली। आज मौका पे याद आ जाता है, आ जाता है, स्टोर में पड़ा रहता है कहीं ना कहीं, ये हुआ था ना किस फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को कुचल दिया। तुम समझ रहे हो मैं तीर्थ बना रहा हूं, नहीं महान भाव, मैं अपने भक्तों को फुटपाथ पर जन्म ना ले बे, मेरे भक्तों को कोई सलमान खान जैसे उन्मादी व्यक्ति के कार के नीचे कुचल के ना मरे, ऐसे घर में जन्म हो, कम से कम बाप के खुद का मकान हो उसका बेटा बने, बाप के खुद की जमीन हो उसका बेटा बने, ये उसके लिए सारे उपक्रम है। अभी समय हो गया, अभी चलेगा बहुत बड़ा, एक नई फ्लॉपी खुल चुकी है अभी, अब फ्लॉपी खुल जा रहे तो मालूम है कि 8-15 दिन तो चली जाती है। महावीर भगवान की। ये भावना और ये कल्पना तो आप लोग छोड़ दें और ना भगवान से याचना करें, ना गुरु से याचना करें, ना भावना करें कि हे भगवान मैं सदा सुखी हो जाऊं, ये व्यर्थ की भावना है, निष्फल जाएगी। ये भावना भी नहीं करना,
कि मेरे जीवन में कभी कोई संकट ना आवे। व्यर्थ की भावना है ये भावना, आपकी सफल नहीं होगी। पर कल के दिन कहोगे कि हमने भगवान के सामने भावना भाई थी, लेकिन हमारे ऊपर संकट आ गया, इसलिए मैं पहले से ही जताए देता हूँ, जो लोग भी प्रवचन सुन रहे हैं, भावना भाना बंद करें कि मेरे जीवन में कोई संकट नहीं आए। इसके लिए कोई आज तक कोई मंत्र नहीं बना, आज तक कोई भक्ति नहीं बनी जो कि इस प्रकार की पूजा करने से संकट नहीं आते। पहली बात तो मैं जो स्पष्ट कह रहा हूँ, आप लोग खोजना चाहते हो कि महाराज कोई ऐसा मंत्र कोई ऐसी पूजा बता दो जिससे जिंदगी में कभी संकट ना। महानुभाव, पूरे शास्त्र खोजने के बाद कह रहा हूँ, ऐसा कोई मंत्र नहीं, पूजा नहीं, भक्ति नहीं। ये ताकत भगवान में भी नहीं है कि भगवान चाहें कि मैं अपने जीवन में या दूसरे के जीवन को संकटों से मुक्त कर दूं, तो भगवान के भी बस की बात नहीं है। और जो काम भगवान के बस की बात नहीं है, उस संबंध में अपन को कोई विचार नहीं करना, कोई विचार नहीं। आज से ही त्याग दो। हम कभी ऐसा भाव नहीं करेंगे कि हमारे जीवन में कोई संकट ना आवे। समय खराब करना, मेरा जीवन सदा सुखी रहे, ये भावना भी व्यर्थ है तुम्हारी। अब आप जो करना है उसकी तैयारी बता रहा हूं। तुम ये मान के चलो कि मेरे जीवन में कभी भी संकट आ सकता है, इट मे बी पॉसिबल। सबको मानना, कितनी भी बड़ी गाड़ी क्यों ना हो, नई गाड़ी के साथ आपको स्टेपनी दी जाती है। नई गाड़ी है ही नहीं। यात्रा करते समय व्यक्ति को ये मान के चलना चाहिए, तुम लोग ये मान के चलते हो मेरी यात्रा सफल होगी। महाराज से भी आशीर्वाद लेते हो और यात्रा में विघ्न आ जाए तो फिर महाराज को कोसते हो कि महाराज ने आशीर्वाद लिया था। क्या कहोगे तुम? मान लो आशीर्वाद लिया, महाराज जी हमारी यात्रा हमने दे भी दिया और रास्ते में गड़बड़ हो गई तो क्या कहोगे? अरे भैया मैं तो महाराज से आशीर्वाद लाया था। लगता है महाराज ने आशीर्वाद ठीक नहीं दिया था। आगे ना आरोप लगाने में तो तुम नंबर एक हो। महाराज ने आशीर्वाद अच्छे से, और दूसरा, अरे भैया महाराज के आशीर्वाद में आजकल चमत्कार है। आपका परिणाम बिगड़ जाएगा, मन में तुम्हारे परिणामों में कलुषित भाव आ जाएंगे। पूजा करके आया था, भक्तांबर करके आया था, महाराज से आशीर्वाद लेके आया था, फिर भी गड़बड़ हो गया, आपके परिणामों में संकलेश आ जाएगा। और फिर आपकी जो श्रद्धा कम होगी वो श्रद्धा बहुत खतरनाक होती है। आशीर्वाद लेने के बाद यदि आपको विघ्न आ गया और आपके मन में थोड़ा भी भाव आ गया कि मुझे आशीर्वाद ठीक से नहीं दिया, महान पाप का बंद होता है। तुम्हारी थोड़ी सी भी अरुचि भाव हुई, बहुत अशुभ कर्म का बंद होता है। इसलिए मैं पहले ही से सचेत कर रहा हूं, सचेत कर रहा हूं। यात्रा करने जा रहे हो चाहे महाराज का आशीर्वाद लो, संकट आने की संभावना पूरी पूरी है।
मैं तो आशीर्वाद पहले से दे देता हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया तुम लोग इतने अंधविश्वासी हो। एक बच्चे ने पढ़ाई करने के समय उसने सुन लिया प्रवचन में कि महाराज के आशीर्वाद से सब व्यक्ति अच्छे नंबर लाता है। वो आशीर्वाद लिया, श्रीफल चढ़ाया, आशीर्वाद दे दिया और उसने पढ़ाई बंद कर दी। बोले अब क्या पढ़ना, महाराज का आशीर्वाद तो वो फेल हो गया। बोले महाराज जी आपके आशीर्वाद से दिया था फिर भी मैं फेल हो गया। नहीं फेल हो गया, बोले हाँ पढ़ाई की, फिर पढ़ने के बाद फिर आपके आशीर्वाद की क्या जरूरत थी। यदि पढ़ के ही पास होना है तो आशीर्वाद, और आशीर्वाद तो जब है जब मैं पढ़ूं नहीं। और बोलो भाई कैसा रहा ये, ऐसे भक्तों को क्या करूं जो आशीर्वाद तो ले रहे लेकिन पढ़ाई बंद कर देंगे। ऐसा दुनिया में आज तक कोई आशीर्वाद मानवा है ही नहीं। इसलिए ये मान के चलना कि अपने जीवन में चाहे अपन भगवान की भक्ति करें संकट आ सकता है। मुनि महाराज बन जाए तो भी हम ये विश्वास न करें कि मैं मुनि बन गया हूँ तो अब तो संकट आएगा ही नहीं। हमेशा तैयार रहो, संकट आएगा तुम्हारी क्या तैयारी है। मैं जब यात्रा पर कोई जाता है तो मैं एक ही बात कहता हूं, यदि रास्ते में संकट आ गया तो क्या तैयारी है, क्या तैयारी। उस तैयारी के लिए मैं आशीर्वाद दे सकता हूं। क्या तैयारी है गुरु महाराज से पूछने यह नहीं जाया जाता कि मेरे जीवन में संकट ना आवे। ये मंदिर, ये गुरु महाराज इसलिए होते हैं संकट आवे तो मुझे क्या तैयारी करना है। गुरु किस लिए है, रिपीट करता हूँ, गुरु इसलिए नहीं है कि गुरु आ जाएगा तो जीवन में संकट नहीं आएगा। ये धारणा बिल्कुल खत्म कर देना। फिर गुरु की जरूरत क्या है, गुरु इसलिए बनाया जाता है कि संकट आएगा तो हम क्या तैयारी करें। संकट आएगा तो मुझे क्या तैयारी करना है, इसके लिए गुरु होते। मौत तुम कहो महाराज आशीर्वाद दो मेरी कहीं मौत ना हो, नहीं मैं दूंगा भी नहीं, आप लोगे नहीं। आप तो ये आशीर्वाद लो महाराज, यदि मेरी मौत आ जाए तो फिर मेरी क्या तैयारी करूं, कैसा परिणाम करूं, क्या करूं, कैसे मैं अपने जीवन को सुधारूं। वो तैयारी करने के लिए ये सारी धर्म क्रियाएं की जाती है। उस समय उनके पूछा जाता है कि यदि सडनली ऐसा कार्य आ जाए तो तुम्हें तुरंत क्या क्या व्यवस्थाएं करना है। मौत आ जाए तो तुम्हें क्या करना है, घबराना नहीं है, तुम्हें नमोकार मंत्र पढ़ना है, ये तैयारी गुरु से दे। अब मैंने नमोकार मंत्र तुम्हें दिया संकट से बचने के लिए कि संकट आने पर अपने कल्याण के लिए। मैं इतना ही कहूंगा मरने से नहीं बचाऊंगा, मैं यही कहूंगा यदि मरने का मौका आवे तो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरना। मरने से तो कौन बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता, नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरना। यदि नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मर गए तो कोई चिंता नहीं करना, जीने से भी ज्यादा अच्छा मरना होता है, क्योंकि मैं मरा तो नमोकार मंत्र पढ़ते।
इसी प्रकार से और जीवन में जो हमारे जीवन में विपरीतताएं आती हैं, इनसे कैसे निपटना? दो तरीके। पहला तरीका तो अपन ने मान लिया कि संकट मोचक नाम का कोई मंत्र नहीं। अब दो तरीके हैं अपने पास। एक तो संकट आवे तो सहन करो, उसका निवारण मत करो। फर्स्ट तरीका, कुछ भी आ जाए, पुण्य का उदय आ जाए, पाप का उदय आ जाए, सदा परिणाम शांत रहो। अर्घावतारण असी प्रहारण मैं सदा क्षमता धरे। आरती उतारो तो ठीक है, तलवार मारो तो ठीक है, पुण्य का उदय आ जाए तो ठीक है, पाप का उदय आ जाए तो ठीक है, सदा एक समान रहो। पुण्य के उदय में हंसना नहीं, पाप के उदय में रोना नहीं। अच्छे दिन आए भूलना नहीं, बुरे दिन आए घबराना नहीं। दोनों पुण्य पाप फल माही, हरख बिलिखो मत भाई। यह पुद्गल पर जाए उपज बिन शे थिर नाही। ये पहला उपदेश है जैनागम का, प्रतिकार मत करो। अच्छे बुरे में ऐसा कोई सूत्र सीख लो जो दुख के दिनों में भी चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना। जितनी चाबी भरी आपने उतना चले खिलौना। वहां तुम्हारे गाने में आया है जितनी चाबी भरी राम ने। मैंने राम को बीच में इसलिए नहीं डाल रहा हूं कि बेचारे को क्यों आफत में डालूं, भगवान को, वो तो किसी का बुरा करता ही। जितनी हमने आज चाबी भरी है, हमारी हालत क्या हो गई है कि जब हम कर्म करते हैं उस समय तो हम सोचते नहीं, बहुत मौज मस्ती में करते हैं, और जब कर्म का उदय आता है हम रो पड़ते। कैसे दशा है दुनिया की? पहले वो एक घड़ी चलती थी, अलार्म घड़ी गोल वाली, तो क्या करते थे, शाम को अलार्म भर दिया, सुबह 5 बजे उठना है, बिल्कुल मिला के भरा 5 मिनट का, बोलो तुम्हें ना भरा था। और जब वो 5 बजे अलार्म भरा, कितनी गुस्सा थी, कुछ गलत तो नहीं कहा, इतनी गुस्सा, दिमाग खराब हो जाता है, और कई बार तो उसके ऊपर हाथ पटक दे। अब उस समय हम भूल गए कि भाई अलार्म भरा किसने था। बस अपनी दशा ऐसी ही है महानुभाव, हम खुद अपनी किस्मत लिखते हैं। जब किस्मत उदय में आ जाती है तो हम रो पड़ते हैं। अलार्म हमने खुद भरा है, घड़ी कहती भैया मेरी क्या गलती है, मेरे ऊपर हाथ क्यों पटका, आपने अलार्म भरा था, हम भूल गए। हम निद्रा में इतने गाफिल हो गए कि हम ये भी होश नहीं रहा कि अलार्म तो मैंने ही भरा था। ऐसे ही जब हमारे अशुभ कर्म के उदय आते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ये कर्म तो मैंने ही तो किए थे, हंसते हंसते मौज मस्ती में ही तो किए थे। अब आज उदय में आया है तो हमें उस समय रोना नहीं है, क्षमता भाव रखना है। जे कर्म पूरब किए हैं खोटे, सहे क्यों नहीं जिए ना। अति क्रोध अग्नि बुझाए शाम में जल ले। जब मैंने अलार्म भरा है तो वो बजेगी और हमें उठना है। हमने कर्म किया है वो आएगा,
हमें जागना है, हमें सावधान रहना है। ये दशा यदि आ जाती है अपनी तो सबसे बढ़िया है, बहुत कम में निपट जाओगे। लेकिन यह दशा आप ग्रस्त लोग हैं, इतनी ऊंची क्षमता भाव आप में आता नहीं। ये सूत्र हम लोग अपनाते हैं, हम लोग इन चीजों में क्षमता भाव धारण करते हैं। तुम लोगों की दशा हम कितना भी उपदेश दें आप लोग नहीं मानोगे। आपको बुरे दिन में आंसू आ ही जाएगा। तो जैनाचार्यों ने दूसरा रास्ता निकाला। पहला रास्ता तो हमारे खाते डाल दिया, अच्छा लगे तो तुम भी अपना लेना, अच्छा लगे तो तुम भी अपना लेना। अलार्म बजते समय आओ भाग मानना, एक घड़ी ने मुझे जगा दिया, मैंने जागने के लिए तो भरा था। अलार्म बज जाए तो चिड़चिड़ाना नहीं, क्या मानना घड़ी का, उपकार मानना। देखो घड़ी को मैंने अलार्म भरा था, घड़ी कितनी वफादार है, जो हमने कहा था उसने उतने बजे मुझे जगा दिया। ओहो बहुत अच्छा, आनंद आना चाहिए। सोते समय घड़ी का अलार्म बजते ही एकदम पहले समय की बात कह रहा हूँ, प्रथम समय में बजते ही एक अच्छा लगा या बुरा लगा। अच्छा लगा है समझ लेना आप कभी जिंदगी में धोखा नहीं खा सकते। आप कभी भी आपको आपकी गाड़ी नहीं चूक सकती, क्योंकि तुमने अच्छा मान के क्या करोगे, जल्दी उठ जाओगे। इसी प्रकार जब हमने कर्म किया है, उदय में आया है, तो ज्ञानी व्यक्ति घबराएगा नहीं, ज्ञानी व्यक्ति चिड़चिड़ाएगा नहीं, ज्ञानी व्यक्ति दुख नहीं बनाएगा, सावधान हो जाएगा। मैंने किया था ये कर्म, उदय में आ गया, मैं सहन करूंगा। अब इसमें आपका बहुत लाभ है, ये अपने हाथ में। लेकिन ये बात जितनी कहना सरल है उतनी करना कठिन है। मैं भी शायद तुम्हारे में शामिल हो जाऊं। जितनी सरलता से मैं उपदेश दे रहा हूं, हो सकता है इतनी सरलता से मैं ये बात स्वीकार न करूं, कठिन है। कितनी बातें हैं जो अपन जानते हैं फिर भी जीवन में उतार नहीं आ जाता है मन। कोई बात नहीं, मार्ग तो हमारे पास ज्ञान में है। अब दूसरा मार्ग जो तुम्हें बता रहा हूं कि जब तुम्हें अशुभ कर्म का उदय किसी निमित्त से आया है तो उसको टालने के लिए कोई दूसरा निमित्त खोजो। संकट आएगा उसको टालने का उपाय गुरु से पूछो। संकट नहीं आवे ये प्रतिज्ञा कर लेना, ये आशीर्वाद मत लेना, ये लो कि संकट आवे तो मैं क्या करूं। उसके लिए ही ये सारे मंदिर बनाए गए, हम लोगों के लिए मंदिर नहीं है, उन लोगों के लिए है जो घड़ी के अलार्म बनने पर चिड़चिड़ाते हैं। उन लोगों के लिए मंदिर है जो कांटा पैर में लगने के बाद आप कांटे का दर्द सहन नहीं कर पा रहे। कांटा यदि सहन करो, पड़ा रहने दो कांटे को, नहीं महाराज ये तो नहीं होगा, डर लग रहा है, दुख हो रहा है, तो अब जाओ। किससे दुखी हो तुम, कांटे से, तो जाओ कांटा खोज के लाओ। महाराज जी आप क्या कह रहे हो, कांटे से तो दुखी हो और आप दूसरा कांटा कह रहे हो। कांटा लगा है, कांटे से दुखी हो और गुरु ने कहा जाओ एक कांटा लाओ,
अब कांटे से तो तुम्हें घृणा थी, कांटे से तो तकलीफ में थे, और गुरु ने क्या कहा, एक कांटा, कांटा लाओ, सुई लाओ, कोई भी लाओ, एक ही बात है। ये आज तक दुनिया में कहीं नहीं हुआ, कांटा अपने आप निकला हो, कांटे को निकालने के लिए एक और कांटा चाहिए। दोनों कांटों में कितना अंतर है। घर गृहस्थी में तुम्हें कांटा लगता है, और मंदिर वो कांटा है जो तुम्हारा कांटा निकालता है। पुण्य और पाप दोनों एक ही पुद्गल की पर्याय है। जैसे मैंने कहा ना, दोनों कांटे एक ही डाली के, ऐसे ही पुण्य और पाप पुद्गल की एक ही डाली के। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने पुण्य पाप को एक ही माँ के बेटे कहा। दोनों पुद्गल की पर्याय है, दोनों कांटे हैं, लेकिन जो तुम गृहस्थी में करते हो 24 घंटे, वो कांटा तुम्हें दुख देता है, दुख देगा। और जब इस दुख का उदय आएगा, तो उस समय एक ही कांटा है, उधर निमित्त से तुमने पाप बंद किया, इधर भगवान के निमित्त से पुण्य रूपी कांटा कमा लो, वो कांटा निकल जाए। यदि निकालना चाहो तो बता रहा हूं, नहीं तो पड़ा रहने दो। मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं तुम्हें जबरदस्ती मंदिर नहीं बुला रहा हूं। हमारे भगवान को या हमें अकेले रहने में कोई बोरियत नहीं होती। हाँ महाराज, ऐसा है कि आप अकेले बैठे हो, बोर हो रहे होगे, इसलिए हम लोग आ गए हैं, है ना। नहीं बात, मंदिर में कोई नहीं जा रहा है, अरे भैया भगवान के पास कोई नहीं जाता, मंदिर खाली पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान को अकेले में रहने में कोई फायदा, कोई विकल्प, वो तो चला कर अकेले में। तुम्हारे लिए इसलिए बैठे हैं भगवान, क्योंकि तुम जो 24 घंटे पाप करते हो, ये पाप उदय में आएगा, सहन नहीं कर पाओगे। 24 घंटे जो राग देश आराम परिग्रह, और ऐसा ग्रस्त हो ही नहीं सकता, बिना पाप के कभी ग्रस्थी चल ही नहीं सकती। बताओ आप, क्या आप बिना किसी जीव को मारे 24 घंटे में कोई जीव ना मरे, ऐसा संभावना है? गाड़ी चलाते हो कि नहीं, बोलो जीव मर सकते हैं कि नहीं? कहाँ दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा, ग्रस्ती है। ऐसा कोई भी ग्रस्त नहीं है जो ये कह दे मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला और बोलूंगा नहीं। चल जाएगी, तुम सही सही बोलते जाओ, और कोई बात नहीं, बाकी उपाय मैं बता दूंगा। नहीं चलेगी, साथ में लगा। कोई जिंदगी में ऐसा है जो तुमने कोई कार्य किसी से छुप करके ना किया हो? चोरी हो ही नहीं सकता। ऐसा कब हुआ है जो तुमने अपने इंद्रियों और मन पर समस्त पापों से मुक्ति का संकल्प कर लिया हो? क्या परिग्रह के बिना तुम्हारी गृहस्थी चलेगी? परिग्रह क्या, यही धन दौलत मकान कपड़े, क्या इसके बिना गृहस्थी चलती है? नहीं चलेगी। इसलिए जैनाचार्यों ने ये खोजा कि इनको कांटे तो लगेंगे, इनके अशुभ कर्म का बंध तो होगा, ये गृहस्थी काजल की कोठरी है। काजल की कोठरी में कैसो हु सयानो जाए, पर लीक लागे पर लागे। संसार काजल की कोठरी है। कोई नहीं चाहता सुबह उठ करके मैं आज क्रोध करूंगा, लेकिन शाम तक क्रोध, सुबह भाव था क्या? नहीं था, पर हो जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस आपको दूसरा मंत्र ले लेना है।
कि जब मुझे कांटा लगना ही है, लगेगा ही, तो बस एक कांटा सुबह से अपनी जेब में डाल लो, कांटा लगेगा पक्का है, चिंता नहीं है, हमने निकालने के लिए सुई रख ली है। अब काय करें, परेशान तो वो होगा जो कांटा तो लगेगा लेकिन निकालने की सुई, निकालने की सुई नहीं है। ये सुई कांटे लगने के बाद रखना ठीक है, कांटा लगने के पहले, कांटा लगने के बाद तुम सुई लोगे चल ही नहीं पा रहे, कर लोगे क्या, चल ही नहीं पाओगे, कांटा लाओगे कहां से, चल ही नहीं पा रहे क्योंकि कांटा बहुत जोर से लगा है। अब कांटा ढूंढो, कहां से ढूंढो, चल ही नहीं पा रहे। इसलिए जैनाचार्य ने कहा कांटा लगना पहला निर्णय करो, कांटा लग, बोलो सब लोग, लग सकता है, पूरी संभावना है, बस इसलिए हमने कांटा लगने के पहले ही सुई रख ली है। ये है यात्रा की तैयारी। महाराज नहीं लगा तो सुई बेकार चली जाएगी, नुकसान क्या है। एक क्षेत्र पर जब नए क्षेत्र बनते हैं तो प्रायः हमें कांटों में चलना पड़ता है उस भूमि को देखने के लिए। तो वो माली रहता था वहाँ एक क्षेत्र पे, वो माली मेरा इंतजार करता रहता, सुई लेके बैठा ही रहता था। मैंने कि भैया तू क्या भाव नहीं भाता है कि महाराज को कांटा लगे। वो कहीं नहीं जाता था, वो कहता महाराज जी आ रहे हैं तो क्यों बेटा, उनका कांटा निकालूंगा। अरे महाराज को कांटा नहीं लगा तो बोले हो ही नहीं सकता कि कांटा ना लगे, क्योंकि जिस रास्ते पे महाराज गए हैं वहां कांटा लगेगा ही लगेगा। और वो प्रतिदिन निकाल कर और पहले से तैयारी करके रखता था। ये कहलाती है विवेक। क्यों बुलाया जाता है तुम्हें सुबह मंदिर में, क्योंकि दिन भर में तुम आराम परिग्रह करने जाओगे, अशुभ कर्म का बंध होगा, तो मंदिर में आकर के सुबह पुण्य रूपी सुई अपने लेके जाओ और दिन भर अपने कार्य करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे